श्री राम, आप सभी को चैत पूर्णिमा और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत महीना में पड़ने वाली पूर्णिमा को चैत पूर्णिमा कहते हैं। चैत का महीना हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना होता है, इसलिए इसे प्रथम चंद्रमास भी कहते हैं। चैत पूर्णिमा को बड़ी भाग्यशाली पूर्णिमा मानी जाती है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से ना सिर्फ मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि भगवान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्र देवता की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में चैत पूर्णिमा कब है, क्यों इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान कब करते हैं, किस दिन किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, राहु काल की समय क्या रहेगी, साथ ही पूजा विधि और पूर्णिमा से जुड़े कुछ खास नियम। चैत्र शुक्ल प्रदा तिथि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। चैत पूर्णिमा का वीर हनुमान जी के साथ भी संबंध है। चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसी वजह से हर साल चैत पूर्णिमा तिथि को ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। चैत पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से की प्राप्ति होती है। काशी के ज्योतिषाचार्य कृपाणी भट्ट से जानते हैं चैत पूर्णिमा तिथि हनुमान जयंती की पूजा स्नान दान आदि का समय। पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 9:19 से शुरू हो रही है। यह तिथि 6 अप्रैल गुरुवार को सुबह 10:04 तक है। जिन लोगों को चैत पूर्णिमा का व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करनी है वे लोग 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे, क्योंकि चैत की पूर्णिमा तिथि का चंद्रोदय उसी दिन ही है। अब बताती हूँ स्नान दान का समय। जिन लोगों को चैत पूर्णिमा का स्नान दान करना है वे लोग 6 अप्रैल को सुबह चैत पूर्णिमा का स्नान दान करेंगे। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:20 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से चैत पूर्णिमा स्नान दान शुरू हो जाएगा। सुबह 6:15 से लेकर सुबह 9:21 तक शुभ समय है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जयंती पूजा मुहूर्त। उदय तिथि के आधार पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। सुबह में स्नान दान के बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा होगी। इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:48 तक है। सुबह 7:48 से सुबह 9:21 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। वही उत्तम मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 12:26 तक है। ऐसे में आप इन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय कुछ इस प्रकार है। जो लोग 5 अप्रैल को चैत पूर्णिमा का व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करेंगे वे शाम को 6:01 से चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। इस दिन चैत पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम 6:01 से है। इस दिन सर्वथा सिद्धि योग में चैत पूर्णिमा व्रत और चंद्रमा का पूजन होगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:23 से 6 अप्रैल को सुबह 6:06 तक है। रवि योग सुबह 6:07 से 11:23 तक है। चैत पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं, कष्ट दूर होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। चैत पूर्णिमा को राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के अवतार हैं जो प्रभु राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर वानर रूप में आए थे। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एक अगली वीडियो में इसका मैं कथा भी बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।